एक तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पार्टी से विदाई को लेकर लगातार सस्पेंस बना है, राजस्थान में कांग्रेस की अंतर्कलह का पारा चढ़ता जा रहा है और वहां दूसरी तरफ पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का एक साल का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए बहुत जल्द कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की जाएगी। पार्टी को अपना निर्णय चुनाव आयोग को 10 अगस्त तक सूचित करना है, यानी 10 अगस्त वो आखिरी तारीख है जब राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर वापसी करेंगे, सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर दोबारा कार्यभार संभालेंगी या किसी और शख्स के हाथों में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान जाएगी। ये फैसला 10 अगस्त तक कांग्रेस को करना है। आपको बता दें, कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव आयोग को बताया है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के कारण नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आयोग के अधिकारियों का कहना है 10 अगस्त तक अगर अध्यक्ष नहीं चुना गया तो चुनाव आयोग इस मामले में दखल देगा। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेजकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है। बीते साल 10 अगस्त को सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, उस समय एक साल के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाने की बात आयोग को बताई गई थी। आयोग ने उसी सिलसिले में कांग्रेस से तगाजा किया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में जब कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट कर रह गई, हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल ने कहा, मैं अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करूंगा लेकिन पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए कई नेताओं के नाम पर चर्चा हुई लेकिन कई दिनों की माथापच्ची के बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के हाथों में कमान सौंप दी गई। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।